अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुश हूँ। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह सुबह के टाइम से, नॉट सुबह 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 तो नहीं है, लेकिन तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम है और अच्छी खासी धूप बाहर निकली हुई है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, सीन ये हुआ था कि मैं एक शॉप पर कचरे में फेंक रही थी और कचरे में फेंकने के बाद मुझे जब मैं फेंकने लगी तो मैंने जब शॉपर को देखा तो मुझे लगा कि उसके अंदर कुछ है। और जब मैंने खोल के देखा तो उसके अंदर ये टॉफ़ी के तकरीबन 7 to 8 पैकेट्स थे। तो जी, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और ये बर्तन हैं जो कि मैंने रात में धोकर रखे थे ताकि पानी अच्छी तरह से निकल जाए, ताकि फिर मैं इनको इनकी जगहों पे रखूं। तो मुझे अच्छा, ये जो बर्तन सेट करने वाला काम होता है ना, ये बड़ा बुरा लगता है। लाइक एक दफ़ा आप सारे बर्तन धो के रख लो और उसके बाद जो बर्तन समेट के आपने रखने होते हैं ना, वो काम पता नहीं क्यों मैं उससे भाग रही होती हूँ। और जी, इसके अलावा आप लोग बाहर देखें तो सख्त कितनी गंदी वाली धूप है। लाइक आप लोगों को कैमरे में आई डोंट नो सही से पता लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, लेकिन सच में बहुत गंदी वाली धूप थी। और अभी तो रिसेंटली ये व्लॉग क्योंकि थोड़ा सा पुराना मैंने शूट किया हुआ लाइक लास्ट वीक का है, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सकी थी तो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। तो वो जब बारिश हो गई थी ना, तो उसके बाद मौसम बहुत खिल गया था। लाइक हवा हवा चल रही थी और बहुत अच्छा जैसे मौसम था कि हवा चल रही थी। गर्मी आए तो डेफिनेटली गर्मी तो होगी, लेकिन बीच में जो है ना वो बिल्कुल हवाएँ बंद हो गई थी और इतना हाफ़ इतनी घुटन हुआ करती थी ना, तो जिसकी वजह से बहुत मसला होता था हम लोगों को भी, क्योंकि हम कराची वालों को बिल्कुल आदत नहीं है कि हवा बंद हो। हवा थोड़ी 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 चलती ही रहती अगर नहीं भी होनी होती तो। तो जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि थोड़ी सी लेट मेरी सुबह हुई है, हमारी सुबह थोड़ी सी लेट हुई है, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। नाश्ते में कुछ खास नहीं बना रही, ब्रेड है और साथ में मैं ऑमलेट बना लूँगी। तो मैं ऑमलेट के लिए वेजीज़ काट रही हूँ, क्योंकि ऑमलेट के बगैर हमें वेजीज़ के बगैर हम लोग को ऑमलेट नहीं पसंद। तो इसलिए जितनी ज़्यादा वेजीज़ होंगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, जैसे कि शिमला मिर्च वगैरह और बंद गोभी वगैरह बहुत मज़े की लगती हैं। लाइक जो कैप्सिकम्स होती हैं डिफरेंट कलर्स की, उनसे बहुत अच्छा टेस्ट आता हैं ऑमलेट के अंदर। तो मैं डालती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरे पास ग्रीन कैप्सिकम तो मौजूद थी लेकिन मैंने नहीं डाली। पता नहीं क्यों, मे बी बिज़ी थी, क्योंकि मैंने उस दिन बहुत सारा काम किया था, मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धोने थे, दैट्स वाई। तो बस मैं ये जल्दी जल्दी जो हूँ वो अब अपना खाना बना रही हूँ। तो किसी किसी को जो है ना वो ऑमलेट बिल्कुल टूटे हुए पसंद होते हैं, लाइक बिल्कुल मैश हुए हुए जो अंडा होता है कि बिल्कुल ज़रा ज़रा हुआ हुआ होता है उसका अलग, लेकिन मुझे जो है ना बिल्कुल रोटी की तरह जैसे बना हुआ अंडा होता है वैसे मुझे पसंद है। शादी से पहले हम लोग भी वैसे खाते थे। अच्छा, हमारे मतलब मेरे जो मायके में ना वो घोटाला टाइप अंडा बनता था, जो अंडा घोटाला नहीं होता वैसे ऑमलेट बनता था और सब उसी को ही ऑमलेट कहते थे। तो फिर सीन ये हुआ कि शादी के बाद मेरे हस्बैंड को ये पसंद था तो मैं ये बनाने लग गई। तो इसको अब मैं रोटी की तरह से बनाती हूँ। ये टूट जाए ना तो मैं खा तो लेती हूँ, लेकिन मुझे खाने में वो मज़ा नहीं आता। खैर, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं रोटी की तरह किस तरह से ऑमलेट बनाती हूँ। और अंडा मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रेसिपी नहीं बता रही, क्योंकि सबको पता होता है कि क्या क्या डलता है, क्या क्या नहीं डलता। मैंने अपना अंडा फैला दिया है और बस जब ये पीछे एक साइड से पक जाएगा ना तो मैं इसको फ़्लिप कर दूंगी। और जो मैं फ़्लिप करती हूँ वो मैं चिमटे की हेल्प से करती हूँ, क्योंकि मुझे उससे करना आसान लगता है। पीछे वाली पूरी बैक साइड जो होती है ना वो सही तरह से पक जाती है और इसके बाद मैं फिर ये चिमटे से इसको फ़्लिप कर देती हूँ। तो आप लोग देखिएगा कि मैं किस तरह से इसको फ़्लिप करती हूँ। और ये जी, यहाँ पे ये सीन शुरू हो गया है, ये इस तरह से करके और फिर मैं इसको इस तरह से पलट देती हूँ। तो ये वाला जो कलर है ना जो इस अंडे का इस वक्त आया हुआ है, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी अंडा बनाऊँ तो उसका कलर इसी तरह का चढ़े, तो फिर ये बहुत उनको अच्छा लगता है इस वजह से। तो ज़ाहिर है आपको पता है कि जो बीवियाँ होती हैं उनका अच्छा लगता है कि उनके शौहर उनके हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं और उनकी प्रेफरेंस का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो जी, वो अंडा मैंने बना लिया है ऑमलेट और अब मैं ब्रेड्स को जो है वो टोस्ट कर दूँगी। तो बस यही हमारा नाश्ता हो जाएगा।
तो जी आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग किस तरह का नाश्ता करना प्रेफर करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो टिपिकल पराठे और इस तरह की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। शादी से पहले मैं भी यही खाती थी, पराठे और जो सालन होता था, या कभी चाय के साथ, या कभी ऑमलेट, या कभी हाफ फ्राई अंडा, इसके साथ पराठे खा लिया करती थी। अब शादी के बाद ये है कि कुछ भी जो भी मतलब हम कर लेते हैं, कभी ब्रेड होती है, जैम होती है, कभी ऑमलेट बना लेती हूँ हाफ फ्राई के साथ, कभी मतलब इस तरह से कभी पराठे भी बना लिए, कभी ऑयल वाली रोटी भी बना ली। तो इस तरह करके हमारा सीन हो जाता है कि हम कुछ भी खा लेते हैं सुबह नाश्ते में। तो जी यहाँ पे मैं जा रही थी बाहर। बाहर जाने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता है कि पाउडर्स वगैरह तो हम लोग बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो पहले क्लिनजिंग वगैरह होती थी या फेशियल वगैरह होता था वो हम लोग ले लिया करते थे, वैक्स करवा लिया करते थे। अब ये सब जो है वो डेफिनेटली पाउडर नहीं जाना होता, तो आपने खुद करना होता है। तो मैंने मरियम परवेज की वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने फेशियल करने के स्टेप्स बताए हुए थे कि किस किस तरह से जो है वो फेशियल करने चाहिए या करे जाते हैं, उनके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो बस इसी वजह से मैंने कहा कि यार चलो मौसम भी थोड़ा सा प्यारा हो रहा है, तो मैं जो हूँ वो बाहर जाती हूँ और लेकर आती हूँ। तो बस मैं अपने हस्बैंड के साथ वहीं पर ही जा रही हूँ, और कुछ ऊपर नीचे की चीज़ें भी हैं जो कि मुझे लेकर आनी थी, लाइक मेरा फेस वॉश ख़त्म हो रहा था, जो मुझे फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ वो, तो मैं वो लेकर आना था मुझे। और इसके अलावा भी बस मैंने सोचा कि आउटिंग हो जाएगी तो हम लोग चलते हैं, मेरे हस्बैंड का भी मूड था जाने का। तो इस वजह से अब मैं बस मौसम इंजॉय कर रही हूँ, और आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा हसीन मौसम हुआ है। बादल आप लोग देखें कितने हन लग रहे हैं, और अलाइनमेंट इन लोगों की कितनी प्यारी हुई हुई है। तो जी बस बाकी चीज़ें तो मैं लेकर आई थी, लेकिन साथ में वापसी पे यूनाइटेड से मैं ये लेकर आ गई थी पिज़्ज़ा, स्मॉल पिज़्ज़ा था और फ्रेंच फ्राइज थे साथ में, ये डील थी पूरी। और ये गार्लिक ब्रेड का एक पीस है जो कि उन्होंने दिया है। तो भूख लग रही थी हम दोनों को, तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग शेयर कर लेंगे और हम हाफ हाफ इस तरह से खा लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि घर पे भी हम लोगों ने सोचा था कि हम खाना खाएंगे, हमारा बिल्कुल मूड नहीं था कुछ खाने का। तो बस मैं गुजारे के लिए हम लोग ना ये ले आए थे कि थोड़ा सा जो है वो भूख कंट्रोल में आए, और उसके बाद मैं सही से उठ के जो हूँ वो खाना वगैरह बनाऊँ और फिर हम लोग इन्जॉय करें, क्योंकि मुझे घर पे आते आते तकरीबन दोपहर के 3-4 बज गए थे और वो सुबह का टाइम था। उस दिन कराची में हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी, तो मौसम बहुत ही खूबसूरत हुआ हुआ था, दैट्स वाई। बाकी जो मैं चीज़ें वगैरह लेकर आई हूँ ना, जो फेशियल वगैरह लेकर आई हूँ, तो वो मैं फेशियल की किट वगैरह वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर बाद शेयर करूँगी जब मैं ये खा चुकी होंगी और थोड़ी सी रिलैक्स हो जाऊँगी, क्योंकि उस वक्त मैंने बस जल्दी में आए थे, भूख बहुत ज़्यादा थी ना, तो आपको होता है कि नहीं यार आप जल्दी जल्दी से खाओ पियो और फिर थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स करो और कपड़े वगैरह चेंज करो, क्योंकि गर्मी इतनी है और सुकून मिलता है घर पर आके चेंज करके, वो जो लॉन के बिल्कुल घिसे पिटे से कपड़े होते हैं ना वो पहन के। और बस यहाँ पे अब मैं अपने पिज़्ज़ा के 2 पीसेस इंजॉय कर रही हूँ, गार्लिक ब्रेड इंजॉय कर रही हूँ और फ्राइज़ इंजॉय कर रही हूँ। तो बहुत मज़े के थे। अगर आप लोगों ने यूनाइटेड से कभी पिज़्ज़ा नहीं ट्राई किया, ये मेरा भी फर्स्ट टाइम था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये पिज़्ज़ा ट्राई किया, बहुत 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 मज़े का पिज़्ज़ा था। और जी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपने डर्मा स्किन के प्रोडक्ट्स शेयर कर रही हूँ, जो कि मरियम परवेज ने रिकमेंड किए थे और मैं वो लेने के लिए गई हुई थी बाहर, तो वो मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो मैंने फेयर एंड लवली का ये लिया है फेस वॉश, क्योंकि मुझे फेयर एंड लवली का ये एंटी पिम्पल फेस वॉश सूट करता है, मेरे फेस पे ये यूज़ करने से पिम्पल्स नहीं होते, दैट्स वाई। अगर आपके फेस पे पिम्पल्स हैं और आपको कोई सूटेबल चीज़ नहीं मिल रही, तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग एक दफ़ा फेयर एंड लवली का यही एंटी पिम्पल ग्रीन वाला, भी जैपनीज़ ग्रीन टी वाला जो है वो फेस वॉश यूज़ करके देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को भी फ़र्क नज़र आएगा। और ये डर्मा स्किन का क्लिनजर है, जो कि मैंने कभी प्रोडक्ट्स ये कभी यूज़ नहीं किए हैं, ये 4 ट्यूब्स हैं, मैं 4 ट्यूब्स से मसाज करूँगी, अपना फेशियल करूँगी, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये कैसा रहा मेरे लिए, सूटेबल है या नहीं है। अच्छा, मरियम परवेज़ ने जो है वो इस फेशियल किट के साथ अपना फेशियल किया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसी ब्रांड की जो है वो फेशियल किट लूँ और देखूँ कि कैसा फेशियल का रिज़ल्ट निकलता है, उन्हीं के टेक्निक्स के साथ मैं करूँगी। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये प्रोडक्ट कैसे हैं और वो जो फेशियल की टेक्निक्स हैं वो कैसी हैं। इसके अलावा जी मेरे पास स्किन वीटा का एक और स्क्रब है, तो हो सकता है मैं डर्मा स्किन के स्क्रब की जगह मैं स्किन वीटा का स्क्रब यूज़ करके देख लूँ। और जी यहीं पे मैं आप सबसे लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मुझे अपने दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।